दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप भी काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हो जाइए सावधान। एक ऐसा ही वाक्य हमारे सामने आया है जिसमें काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर ट्रेवल कर रहे पैसेंजरों को एक स्टेशन पर उतारा गया। दोस्तों, हुआ क्या था, उस ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो गई थी और एक व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि इस ट्रेन में वेटिंग टिकट वाले ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, जिससे रिजर्वेशन वालों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए दोस्तों उन सभी को उतारा गया और उनको कहा गया कि आप जनरल में सफ़र कीजिए, और जनरल कोच भी तब तक फुल हो गए थे। अब काफी लोगों का मन में सवाल होगा कि हम काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर ट्रेवल तो कर ही सकते हैं, हमने किया भी है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे के नियमों में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप कोई भी वेटिंग टिकट लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई टिकट ऑनलाइन बुक किया है तो वो वेटिंग में रह जाता है, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और उसका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब अगर आप उस टिकट पर ट्रेवल करते हो तो आप बिना टिकट माने जाओगे और आपको भारी भरकम जुर्माना देना होगा। जबकि अगर आप काउंटर वाले वेटिंग टिकट पर ट्रेवल करते हो तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है और आपके पास टिकट होता है तो टीटी आप पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकता। तो काफी लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, नीचे बैठकर ट्रेवल कर लेते हैं जिससे वो अपने डेस्टिनेशन पर जा सके। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। रेलवे कभी भी आपको ये नहीं बोलता है कि आप वेटिंग टिकट पर ट्रेवल कीजिए, रेलवे ही बोलता है कि आप वेटिंग टिकट को कैंसिल करवाकर आप अपना पूरा रिफंड ले लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी आगे से ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास कन्फर्म टिकट हो तभी ट्रेवल करें, अन्यथा आपको कोई भी स्टेशन पर उतारा जा सकता है, क्योंकि वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में आप ट्रेवल नहीं कर सकते। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप उस टिकट से जनरल कोच में ट्रेवल कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।